हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल 21.0 में। और जैसे कि पिछली बार, मतलब कि अगली बार मैंने एक बार और खेल चुका हूँ इसको पूरा, तो मैं दिखा देता हूँ पिछली बार जो हम लोगों ने खेला था इस गेम को, तो किस किस पकवान के साथ खेला था। ये देखिए हॉल ऑफ फेम में नंबर वन, ये देखिए चारी चार्ट था, फेरो, और ये आरबॉक, मा चौक, मारोवाक और ये ऑनिक्स, इनके साथ हम लोगों ने खेला था फर्स्ट रन में। सेकेंड रन है ये, तो फिर से आ रहे हम लोग लड़ने आज इंडिगो प्लैटियाओ में। चलते हैं अंदर, पहले देखते हैं क्या लिखा है। इंडिगो प्लैटियाओ द अल्टीमेट गोल ऑफ ट्रेनर्स, ट्रेनर्स का आखिरी गोल यही है, यहीं तक आना है। तो ये इनसे लड़ना है सबसे पहले। पोकेमॉन लीग, वेलकम टू लोरेली नाम इसका। तो इसके पास शायद कौन से पोकेमॉन है देखते हैं ज़रा। पिछली बार तो वाटर टाइप थे ज़्यादातर, हाँ वाटर टाइप इस बार ज़्यादातर हैं। यूज करते हैं अपना स्पार्क, यूज करते हैं डबल टीम को, ऐसा नहीं होगा। इस पार यूज करते हैं जल्दी से इसको, और इफेक्टिव तो है यार, डिबॉन्ग का भेज दिया उसने। तो बुलाते हैं अपने अगले पोकेमॉन को, यानी कि बुलाते हैं चारिज़ार्ड को, और देते हैं इसको एम्बर। थोड़ा सा अर्थ को यूज कर रहा है, कोई असर नहीं होगा। एम्बर देते हैं, इतने असर होता है कि नहीं इस पर, हो रहा है यार असर। अब देखते हैं कौन सा बुलाता है वो, रॉक स्लाइड दे रहा है, असर होगा मेरे पे भी, कोई बात नहीं, एक बार एम्बर देता हूँ इसको। और ये हो गया है फेंट। अगला कौन है देखते हैं जल्दी जल्दी, अगला कौन पोकेमॉन है इसके पास। ड्यूगोंग को बुला रहा है, हम बुलाते हैं अपने मैग्नेटॉन को। यार यही था जो उसके खिलाफ खतरनाक लड़ सकता है, पूरे तरीके से हरा सकता है उसे। तो यूज करते हैं अपना स्पार्क फिर से, डबल टीम को ऐसा नहीं होगा। स्पार्क यूज करते हैं जल्दी से, अटैक मिस, कोई बात नहीं, फिर से स्पार्क यूज करते हैं यार, स्पार्क से ही असर होगा इस पर। और ये हरा दिया हम लोगों ने इसे भी। अगला कौन है देखते हैं जरा। 2413, बहुत सही, 56 से पहुंच गया हमारा पोकेमॉन यार। अगला कौन है, तो इसके खिलाफ बुलाते हैं हम लोग अपने पोकेमॉन, यानी कि किसको बुलाऊं यार, म्यूटू को बुलाते हैं हम लोग। हाँ ऐसा खिस्सा ही ख़त्म कर देते हैं। यूज करते हैं अपना साइकिक, और ये हो गया फेंट। म्यूटू बहुत खतरनाक पोकेमॉन है जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये लेजेंडरी टाइप का पोकेमॉन है ये, इसी को रहने देते हैं यार। साइकिक यूज करते हैं तो ख़त्म कर देते हैं यहीं पर, साइकिक से ये भी ख़त्म हो जाएगा लगता है, लगभग होना चाहिए। अरे यार असर नहीं हो जाता, कोई बात नहीं यूज करते हैं। अरे यार लो स्लीप कर दिया इसने, तो कोई बात नहीं, बुलाते हैं अपने पोकेमॉन यानी चारिज़ार्ड को। पहले इसको दे देते हैं हम लोग थोड़ा सा पाई पोर्शन, हाइपर पोर्शन, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे मैंने बहुत सारे हाइपर पोर्शन खरीदे हुए हैं सिनेमार आइलैंड से, अगर आप लोग खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, वहाँ बहुत सस्ते मिलती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आइस बीम, कोई बात नहीं यार, बुलाते हैं अपने चारिज़ार्ड को। आइस बीम यूज कर रहा है फिर से वो, यूज करते हैं अपना एम्बर, हो सकता है असर हो इस पर। हाँ यार हो गया, फेंट हो गई। तो अगला कौन सा है देखते हैं, अगला कौन सा पोकेमॉन है। 81 पहुंच गया हमारे चारिज़ार्ड, वाओ। अगला कौन सा देखते हैं जरा, लैप्रास, लग रहा है हमको बुलाना पड़ेगा अपने मैग्नेटॉन को फिर से। कहाँ यार मैग्नेटॉन, ये रहा। यूज करते हैं अपना स्पार्क, स्पार्क यूज करते हैं, ये भी वाटर टाइप में है, क्या यूज करेगा सर्फ। ओ नो यार, फेंट ना हो जाए पोकेमॉन, बच गया हल्का सा। और यार फिर से आइस बीम यूज कर रहे तो फेंट हो गया है, कोई बात नहीं। अरे मेरे पास है और पोकेमॉन है, जैसे कि बुलाते हैं हम लोग पर्सियन को, बुलाएं क्या यार, हाँ पर्सियन को बुलाते हैं, पर्सियन को मैं पकड़ा हुआ एक। तो फेंट अटैक करें कि स्लैश, स्लैश नहीं यार, फेंट अटैक करना चाहिए शायद। अरे यार फुल रिस्टोर यूज कर रहा है फिर से, ज़्यादा असर नहीं हुआ है फिलहाल। यूज करते हैं हाइपर पोर्शन को, देते हैं अपने इसको दें यार, सॉरी सॉरी मेरा मतलब रिवाइव का यूज करते हैं, यूज करते हैं, देते हैं अपने इसी को यानी मैग्नेटॉन को, यही है जो लड़ सकता है इन सबसे फिलहाल तो। और ये सर फिर से यूज कर रहा है यार, बुलाना पड़ेगा लग रहा है म्यूटू को ही, अब म्यूटू ही लड़ सकता है इससे। अरे यार ये क्या है, ये तो पहले से सोया हुआ है। यूज करते हैं रिकवरी थोड़ा सा,
ताकि वापस आ जाके रिकवर हो सके। और ये पूरा रिकवर नहीं हुआ लेकिन हो गया है, सर्च यूज कर रहा है, ज़्यादा असर नहीं होगा। यूज़ करते हैं फर्स्ट्रेशन, देखते हैं असर होता है कि नहीं। हो रहा है यार सर, हल्का सा हुआ लेकिन फिर सर्च यूज कर रहा है। कोई बात नहीं, देते हैं हाइपर पोर्शन अपने मैग्नेटॉन को ताकि वो आके लड़ सके। सर्फ नहीं यार, फेंट ना हो जाए। फेंट तो नहीं हुआ है। यूज करते हैं फिर से रिकवरी, नहीं ये रिकवरी ना करो यार। यूज करते हैं अपने चार ही जार्ड को यार, यहाँ पर देखते हैं हो सकता है लड़ सके ये फिर से सर्फ। ओ नो यार, फेंट हो गया, बच गया हल्का सा। यूज करते हैं अपना विंड अटैक, हो सकता है इस पर असर करे। हाँ यार असर तो कर रहा है, थंडर लो गया हमारा चार ही जार्ड भी। अब बुलाते हैं अपने अगले पकवान यानी कि मैग्नेटॉन के बुलाएंगे हम लोग। हाँ यूज़ करते हैं अपने स्पार्क जल्दी से। हरा दिया हम लोगों ने इसे, लोरेली को। चलो यार हरा तो दिया, आगे और भी टफ टफ चैलेंजेस होने वाले हैं हम लोगों के साथ, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन बढ़ने से पहले पहले अपने पकवान को सब कुछ दे देना चाहिए हमें, जैसे कि हाइपर पोर्शन दे देना चाहिए अपने, किसे दे देना, म्यू टू को, ताकि वापस रिकवरी कर सके। अरे यार हल्का सा रह गया है, देखते हैं हमारे पास पोर्शन है कोई और। मैक्स पोर्शन नहीं है, हाइपर पोर्शन दे देते हैं इसको यार, पूरे तरीके से सही कर दूंगा कि लड़ने लायक रहे यार। और रिवाइव दे देते हैं अपने चारिजार्ड को। और रिवाइव किसे चाहिए, पर्सियन को चाहिए रिवाइव। रिवाइव हमें बहुत सारे खरीदे हैं, आप लोग भी वहीं से खरीद सकते हैं यार, उधर सस्ता मिलता है इसलिए कर रहा हूँ, पैसे कम लगेंगे। हाँ असली पैसे तो नहीं लग रहे हैं लेकिन फिर भी यार पैसे कम लगेंगे ना। और देते हैं अपने चारिजार्ड को, सब पोकेमॉन पूरे तरीके से फुल कर देते हैं, तभी आगे जाके सही लड़ पाएंगे हम लोग। और थोड़ा सा पोकेमॉन को स्विच कर लेते हैं, लगा लेते हैं अपने ट्यूबकॉन को, क्योंकि जैसे इस बार इसके वाटर टाइप था तो आगे वाले के पास शायद रॉक टाइप हो, क्योंकि अगली बार जब हम लोगों ने खेला था मैंने फर्स्ट टाइम, इसके पास रॉक टाइप ज़्यादा थे। देखते हैं कौन से इसका फाइटिंग टाइप पोकेमॉन बता रहा है, तो इसे लड़ना हमें, क्या नाम है इसका, ब्रूनो। देखा स्टीलिक्स, यूज करते हैं अपना सर्फ, देखते हैं असर होता है कि नहीं। हो तो रहा है यार असर, क्या यूज कर रहा है देखते हैं। रॉक टॉम, वो नो, हमारे ऊपर भी असर हो रहा है। फिर से यूज करते हैं अपना सर्फ, अरे यार अर्थ का यूज कर दिया उसने तो, अरे यार फेंट कर दिया इसने। कोई बात नहीं, बुलाते अपने चारिजार्ड को और देते हैं इसको एम्बर। और एम्बर के सामने नहीं टिक पाएगा ये, मुझे पता था। आई हो गया फेंट। अगला कौन है, हिटमॉन चैन, इसे भी देते हैं एम्बर थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या यार। अरे यार अंबर से असर नहीं हुआ है, ओ नो। यूज करते अपना विंड अटैक यार, इसको ख़त्म करना है जल्दी से। और ये हो गया फेंट। और अब किसे बुलाएं यार, हिटमॉन ली आ रहा है। यूज करते हैं अपने फिर से अपना विंड अटैक, यही फाइटिंग टाइप दोनों एक ही तरीके हैं, तो विंड अटैक असर करेगा दोनों पे, हिटमॉन चैन हिटमॉन ली। फिर भी अगला कौन है, माँ चैम्प। ओहो माँ चैम्प इसने पकड़ा, ओह यार माँ चैम्प सोचो। अरे यार मुझे भी एक माँ चैम्प चाहिए था यार, क्या यूज करा। अरे नो यार फेंट कर दिया इसने मेरे चारिजार्ड को। कोई बात नहीं यार, बुलाते हैं अपने पर्सियन को, तब तक दे देंगे हम लोग अपने चारिजार्ड को रिवाइव। रिवाइव दे देते हैं अपने चारिजार्ड को, ऐसा करते हैं ना बुलाते, इसका अटैक कराते हैं पहले यार, देते हैं इसको थोड़ा सा स्लैश। अरे यार फुल रिस्टोर यूज कर रहा है, अब तो यार बुलाना ही पड़ेगा लग रहा है, असर हो रहा है हल्का सा। फिर से यूज करते हैं स्लैश, हाँ यार। और यार इसका कुछ ज़्यादा ही असर हो गया इसका वाला, तो म्यूट हो गया, बुलाना पड़ेगा लग रहा है। अब यूज करते हैं अपना साइकिक, यूज करें क्या यार, साइकिक कम है अभी, फ्रस्ट्रेशन यूज करते हैं। अर्थक्वेक, असर हो रहा है यार हल्का हल्का। और ये हो गया फेंट। अगला कौन है देखते हैं, स्टीलिक्स फिर से है, तो यूज करते हैं फिर जाना फर्स्ट्रेशन, देखते हैं असर होता है कि नहीं। नहीं असर हो रहा है यार, अर्थक्वेक यूज कर रहा है। कोई बात नहीं, पहले अपने चारिजार्ड को दे देते हैं हम लोग रिवाइव, ताकि वो लड़ सके यार आगे आके। और ये फुल रिवाइव दे दिया हम लोगों ने, फुल नहीं यार सॉरी। तो बुलाते हैं अपने चारिजार्ड को,
नहीं यार, पहले रिवाइव दे देते हैं उसको, पोर्शन हाइपर पोर्शन फुल कर देते हैं उसको। चारिज़ार्ड को फुल कर दिया हम लोगों ने, अब बुलाएंगे चारिज़ार्ड को। अर्थक्वेक फिर से यूज कर रहा है ये, अरे यार बच गया हल्का सा। तो बुलाते हैं अपने चारिज़ार्ड को, अभी इसको बताते हैं चारिज़ार्ड का हमारा अगले असर क्या होता है इसके ऊपर। अरे यार फायर, ओ फायर वाला मूव दे रहा है भी, बहुत सही यार। आयरन टेल ज़्यादा असर नहीं होगा। एम्बर और ये हो गया फेंट, और हरा दिया हम लोगों ने इसे भी। कौन था यार ये, ब्रूनो, ब्रूनो नाम भूल गया, सॉरी ब्रूनो नाम था। तो हरा दिया हम लोगों ने। माई जॉब इज डन, वो जॉब कर रहे हो तुम यहाँ पे। यूज करते हैं अपने फिर से, पार्सियन को दे देते हैं, और किसे देना, डिवॉन्ग को देना, सॉरी डिवॉन्ग को दे देते हैं अपना थोड़ा सा रिवाइव। और बाकी सबको चाहिए हाइपर पोर्शन, हाइपर पोर्शन मेरे पास बहुत सारे हैं फिलहाल, सबको दे सकता हूँ मैं हाइपर पोर्शन। और दे देते हैं अपने म्यू टू को यार देना ज़रूरी है, और देना पड़ेगा एक बार म्यू टू को। और देते हैं अपने पर्सियन को, सबको यार देना पड़ेगा हाइपर पोर्शन समझ लो ऐसे। और देना है अपने चारिज़ार्ड को भी यार, चारिज़ार्ड को कैसे भूल गए देना। और पहले पकवान को स्विच कर लेते हैं थोड़ा सा, स्विच कर देंगे हम लोग चारिज़ार्ड से। चलते हैं अंदर, और इस आई एम अघाटा आता है लाइट फोर, अघाटा अघात जैसे लग रहा है यार, अघाता नाम रखा है इसका। हाँ इसके बाद घोष टाइप का कमानेंगे, देखने से ही लग रहा है यार, पिछली बार भी घोष टाइप ही थे जब मैं आया था लड़ने। अरे लो यार कंफ्यूज कर दिया इसने तो यूज करते हैं पहले, देखते हैं और बस कुछ है यार। एंटीडोट देते हैं, अरे यार कंफ्यूज कर दिया इसने तो यार, सॉरी। साइकिक भी यूज करता है, ओ एम्बर हिप्नोसिस, ओ नो यार कौन सा पोकेमॉन क्या क्या यूज कर रहा है। गेंगार नाम इसका, साइकिक यूज कर रहा है, जल्दी से यार उठ यार चारिज़ार्ड, उठ ही नहीं रहा, साइकिक पे साइकिक यूज कर रहा हो तो। अब लग रहा देना पड़ेगा पहले हाइपर पोर्शन, ये तो दिक्कत हो जाएगी यार ज़्यादा कुछ। और यार पूरा तो नहीं फुल हुआ लेकिन मैंने दे दिया है फिर भी, शेडो बॉल भी दे रहा है लो। अबे यार बहुत खतरनाक पोकेमॉन लग रहा है यार तो, मुझे भी एक पकड़ना है यार गंगार, साइकिक पे साइकिक यूज कर रहा है तो यार, साइकिक मूव तो हमारे, अरे यार लो गया चारिज़ार्ड, फिर से साइकिक यूज किया इसने। बुलाते हैं अपने ग्रेवलियर को बुलाते हैं यार, अपने चारिज़ार्ड को पहले थोड़ा सा सही करते हैं, और रिवाइव चारिज़ार्ड को। हिप्नोसिस यूज कर रहा है, असर नहीं हो रहा है फिलहाल, देखते हैं रॉक टॉम, देखते हैं असर होता है कि नहीं। हाँ यार असर लग रहा होगा, अरे यार बहुत कम हुआ असर लेकिन, ओ नो यार फुल रिस्टोर नहीं रॉक टॉम। यूज करते हैं अपना रॉक टॉम यूज करते हैं यार, साइकिक यूज कर रहा असर होगा मेरे पे भी। तो बुलाते हैं अपने चारिज़ार्ड को यहाँ पर यार, साइकिक नहीं यार, फिर से साइकिक यूज कर रहा है, कोई बात नहीं पहले हाइपर पोर्शन देना पड़ेगा हमें, नहीं तो यार दिक्कत हो जाएगी। और ये फुल रिस्टोर हो गया, आप बताते हैं इसको हम साइकिक वाले को, बहुत साइकिक साइकिक दे रहा है सबको ना। चल इधर से हट जा जल्दी से, हिप्नोसिस बहुत हिप्नोसिस यूज करता है ये। अगला कौन जरा देखते हैं, मिस पता नहीं क्या नाम यार, मिस कुछ करके नाम था इसको, अपना खतरनाक मूव देते हैं यानी कि फायर ब्लास्ट, बचेगी ही नहीं, अरे यार बच गई, सॉरी मुझे लगा बचेगी ही नहीं। कट देते हैं इसको यार, ख़त्म कर देते हैं यहीं पर कट से। डज नॉट इफेक्टिव, ओ यार इफेक्टिव ही नहीं इसके ऊपर तो, कोई बात नहीं एम्बर ही देते हैं, इन लोग के ऊपर एम्बर ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। अगला कौन है, गेंगार फिर से है यार, तो पहले अपने पोकेमॉन को देना पड़ेगा हाइपर पोर्शन की बहुत ज़रूरत पड़ रही है इधर यार।
दिक्कत हो जाएगी। साइकिक पे साइकिक, अरे सॉरी, फाइट करते हैं, एम्बर देते हैं इसको। थंडर बोल्ट, ओहो पिकाचू बन गया है तो यार, थंडर बोल्ट भी इसके पास है। अरे यार ख़त्म करने दी फायर ब्लास्ट से इसको, बहुत दिक्कत हो रही है हमें। और ये भी फेंट हो गया है। क्रोबैट, चलो क्रोबैट के खिलाफ बुलाते हैं अपने, किसको बुलाएं यार, ड्यूगोंग को बुलाते हैं। चलो देखते हैं, क्रोबैट पे तो असर होगा इसका यार, वो घोष टाइप तो नहीं ना, फ्लाइंग टाइप थोड़ा सा है। सर्फ यूज करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं यार इन लोग तुरंत, हमें कंफ्यूज कर दिया इसने तो यार, फेंट ना कर दे बस। स्लग बॉम्ब भी दे रहा है, लो कंफ्यूज भी है, स्लग बॉम्ब भी, सर्फ यूज कर जल्दी से, असर नहीं हुआ यार पहली बात तो। बुलाते हैं अपने किसी और पोकेमॉन को, जैसे कि चारिजार्ड को ही बुलाना पड़ेगा यार, और कोई नहीं लड़ पाएगा इससे। शैडो बॉल लो, पहले इसको हाइपर पोर्शन देना पड़ेगा चारिजार्ड को यार, यही तो दिक्कत है, बार बार हाइपर पोर्शन देना पड़ता है अपने पोकेमॉन को। और स्लग बॉम्ब पता नहीं क्या क्या यूज करता है ये, देते हैं इसको विंड अटैक, देखते हैं असर होता है कि नहीं इस पर, होना चाहिए यार, हो रहा है। फिर से स्लग बॉम्ब दे रहा है, पता नहीं क्या है यार, फिर से विंड अटैक देते हैं इसको, और ये हो गया है फेंट। मैंने म्यूटू को बचा के रखा, आगे के भी मैच बहुत खतरनाक होने वाले हैं इसीलिए। आ इसको ख़त्म करते हैं यार यहीं पर, इसको देते हैं हम लोग अपना, वही यार फायर ब्लास्ट सबसे खतरनाक मूव, तीन ही बचे हैं मेरे पास फिलहाल, लेकिन यार इसको हराना जरूरी नहीं, तो यार पॉइजनेट कर दे सकता है ये, डबल टीम यूज कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको विंड अटैक देके ख़त्म करते हैं यहीं पर। अरे यार फुल रिस्टोर क्यों यूज कर लेते हैं इन लोग बार बार, अटैक मिस, जल्दी फेंट कर इसे यार, डबल टीम यूज कर रहा है, कोई असर तो नहीं होगा। विंड अटैक यूज कर रहा है, अटैक मिस क्यों हो रहा है यार, उसका तो नहीं मिस हो रहा, मेरा क्यों मिस हो रहा है अटैक, ये देखो फिर से स्लग बॉम्ब दे रहा है वो, यूज करते हैं अपना हाइपर पोर्शन, फिर से स्लग बॉम्ब नहीं यार, बस पॉइजनेट कर दिया लो, मुझे इसी चीज़ का डर था। अब इसको बहुत गुस्सा लगी मुझे इसके ऊपर, इसको दे देते हैं हम लोग विंड अटैक, ख़त्म कर दूंगा इसको यहीं पर। स्लग बॉम्ब, ओ नो यार, लो पॉइजन से भी हार्ट अटैक, फेंट हुआ खुद ही है। अब बुलाना पड़ेगा लग रहा है अपने मैग्नेटॉन को ही बुलाते हैं यार, इसको छोड़ेंगे नहीं आज। जैसे इस पर ट्राई अटैक, अर्थ को एक लो फेंट हो गया, भी गया यार, शिट रे म्यूटू तू ही आ, चलो यार म्यूटू का तो असर हुआ, तो इस आंटी जी को या दादी जी को भी हम लोगों ने हरा दिया है। तो यार पहले यूज करते हैं अपना यार रिवाइव, बहुत ज़रूरत है पोकेमॉन को, चारिजार्ड को ज़रूरत है, यूज करते हैं अपने चारिजार्ड के ऊपर। और बहुत पोकेमॉन यार जख्मी, एक पोकेमॉन और भी है, उसे हमें रिवाइव देना पड़ेगा फिलहाल, मैग्नेटॉन को यानी कि। और हाइपर पोर्शन यूज कर लेते हैं, सबको देना पड़ेगा हाइपर पोर्शन यार, मैग्नेटॉन को भी और चारिजार्ड को भी। और इधर कौन है देखते हैं जरा, ग्रेविलियर को भी, और ये ड्यूगोंग, ड्यूगोंग को भी देना पड़ेगा, तो सबको मैंने दे दिया है, लेकिन ड्यूगोंग पहले पॉइजनेट है, तो इसको पहले एंटीडोट देते हैं हम लोग, तो ये ठीक हो गया है। तो अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं यार, तो बिना देर को जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये रहा, इससे भी लड़ना हमें, पहले पोकेमॉन को थोड़ा स्विच कर लेते हैं, बुलाते हैं अपने मैग्नेटॉन को, आगे रखेंगे हम लोग। तो देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन है, डेंजरस, डेंजरस आदमी है यार ये तो, डेंजरस को ज़्यादा डेंजर बता रहा है अपने आपको। तो इसके पास चार पांच पोकेमॉन है सॉरी, तो यूज करते हैं मैग्नेटॉन का, क्या यूज करेंगे हम लोग, स्पार्क। अरे यार पहले यही से क्यों यूज कर लेता है, फालतू ही लाना पड़ा, मुझे लग रहा है म्यूटू को यूज करना पड़ेगा, नहीं यार, हाँ म्यूटू को यूज करते हैं यार, इसे देते हैं साइकिक अपना, फर्स्ट फ्रस्ट्रेशन देते हैं यार, साइकिक तो भी बहुत कम है मेरे पास,
थंडर वेव, हो ये भी यूज करा, थंडर वेव भी इसके पास है। ड्रैगन डांस, क्या क्या मूव है यार ये तो। फर्स्ट्रेशन देते हैं इसको, साइकिक, साइकिक से खत्म कर देते हैं इसको यार आज। और साइकिक देते हैं जल्दी जल्दी यार, साइकिक, साइकिक असर क्यों नहीं हो रहा इस पर। साइकिक, और जा फेंट हो जा तू। अगला कौन है? किंड्रा, किंड्रा खिलाफ यूज करते हैं अपने चारिजार्ड को, यूज करते हैं किंड्रा, यूज करते हैं अपना विंड अटैक। और ड्रैगन डांस कोई असर नहीं होगा, फिर से यूज करते हैं अपना विंड अटैक यार, इसको खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। ड्रैगन डांस, ड्रैगन डांस ही करने आई है लग रहा है ये किंड्रा। अरे यार फुल रिस्टोर यूज कर रहा है तो, अरे यार फुल रिस्टोर हमारे पास भी होता तो हम भी यूज कर लेते बार बार। ड्रैगन डांस, फुल रिस्टोर, और विंड अटैक, और इसको भी एक बार और विंड अटैक यार। सर्फ, ओ नो, लो यार हमारे चारिजार्ड को एक ही बार में इसने फेंट कर दिया पूरे तरीके से वो भी। अब बुलाते हैं अपने म्यूटू को, ही म्यूटू इससे लड़ सकता है, यूज करते हैं अपना पता नहीं कौन सा हाइपर बीम। ओहो, अरे यार इसने सब फेंट कर दिया हमारे पोकेमोन को, ड्यूगोंग को ही बुलाना पड़ेगा लग रहा है। अब पहले यार अपने पोकेमोन को देना पड़ेगा, नहीं तो यार हम लोग यहीं हार जाएंगे यार। तो यूज करते हैं पहले, देते हैं सबसे पहले म्यूटू को और फिर देंगे चारिजार्ड को। रिचार्ज, पता नहीं कौन सा मूव है यार रिचार्ज ये। चार यार्ड को दे दिया हम लोगों ने, हाइपर बीम यूज कर रहा है। ओ शिट, इस पे भी असर हो गया है। कोई बात नहीं, बुलाते हैं अपने म्यूटू को, बुलाते हैं इस बार। यूज करते हैं अपना साइकिक, यूज करें क्या यार, स्विफ्ट यूज करते हैं एक बार। रिचार्ज, और हमने फेंट कर दिया इसे भी। अगला कौन है जरा देखना पड़ेगा यार। अगला है, ओ यार ड्रैगोनाइट है अगला तो। अरे यार ड्रैगोनाइट से तो लड़ना पड़ेगा, खतरनाक पोकेमोन है ये, यूज करना पड़ेगा। हाइपर पोर्शन दे देते हैं अपने पहले म्यूटो को, सबसे पहले देना है हमें, फिर ही कुछ कर पाएंगे हम लोग। देखा आर्ट्स का यूज करने लगा आते ही, ज़्यादा असर तो नहीं हुआ है। साइकिक यूज करते हैं इसके खिलाफ, हो सकता है असर हो थोड़ा। हाँ यार असर तो हो रहा है इस पर साइकिक का। अब देते हैं अपना फर्स्ट्रेशन, हाइपर बीम। ओ नो यार हाइपर बीम को खतरनाक लग रहा है मुझे, पोकेमॉन फेंट हो जाते हैं हाइपर बीम से। फर्स्ट्रेशन एक बार और यूज करते हैं, और ये भी हो गया है फेंट। अगला है एरोडैक्टिल भी पकड़ा इसने, ओ हो, तो यार इसी को यूज करते हैं हम लोग म्यूटू को ही। और इसको पहले देना पड़ेगा हाइपर पोर्शन, म्यूटू को दे दिया हम लोगों ने हाइपर पोर्शन, फुल तो नहीं हुआ है पूरे तरीके से लेकिन दे दिया। एरियल एस यूज करते हैं अपना, साइकिक ही यूज करना पड़ेगा हमें, लेवल 70 का यार कोई हल्का फुल्का नहीं है। अर्थ क्वेक यूज कर रहा है यार, यूज करते हैं अपना रिकवरी, यूज करते हैं सबसे पहले ताकि लड़ सके यार, रिकवर होना पहले ज़रूरी है। और ये पूरे तरीके से रिकवर हो गया, आप बताते हैं इसको यार पावर अपनी। और यूज करते हैं अपना फर्स्ट्रेशन, असर तो नहीं हो जाता यार। हाइपर बीम, यार हाइपर बीम असर हो रहा है हमारे म्यूटू के ऊपर, ये देखा, स्विफ्ट यूज करते हैं। अरे यार हल्का सा बच गया, रिचार्ज को असर नहीं होगा। ओ नो, फुल रिस्टोर, तो यार यूज करना पड़ेगा लग रहा है फिर से रिकवरी। तो रिकवर हो चुका है फिर से हमारा म्यूटू। अर्थ क्वैक, साइकिक यूज करके खत्म करते हैं यार, बहुत दिक्कत हो रही है इससे। और चल हट इधर से, अरे यार फिर से बच गया ये, कोई बात नहीं स्विफ्ट यूज कर लेते हैं यार। और ये फेंट कर दिया हम लोगों ने एरोडैक्टिल को भी। अगला कौन सा पकवान जरा देखते हैं पहले, ड्रैगो नाइट, फिर से ड्रैगो नाइट है यार। अरे कितना ड्रैगो नाइट पकड़ के रखा है इसने यार, कोई बात नहीं म्यूटू को ही लेना पड़ेगा लग रहा है हमें। और यूज करते हैं अपना, अरे यार पहले यूज करो अपना हाइपर पोर्शन, तो दिक्कत हो जाएगी इसको हराने में। तो पता नहीं क्या यूज कर रहा है यार ये, ऑरेंज यूज करते हैं अपना साइकिक का, यार फर्स्ट पर्सन यूज करते हैं। आउटरेज यूज कर रहा है यार, असर हो रहा है इसका लेकिन, चलो कंफ्यूज हो गया ये।
यूज करते हैं अपने रिकवरी, या रिकवरी जरूरी है पहले, रिकवरी भी बहुत बार कर सकते हैं हम लोग। तो रिकवर हो गया ये भी, फिर से आउट रेज यूज कर रहा है। पहले इसको मैं दूंगा स्विफ्ट, हाँ स्विफ्ट का असर हो रहा है इस पर यार। फिर पहले रिकवरी यूज करते हैं हम लोग। हाँ यार, से दिमाग से खेलना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो यार फेंट हो सकते हैं पोकेमॉन सारे हमारे, क्योंकि यार ये कोई हल्का नहीं लग रहा मुझे पोकेमॉन। कंफ्यूज तो है लेकिन फिर भी असर कर रहा है इस पर, मतलब अटैक कर रहा है फिर भी। कंफ्यूज हो चुका है, चलो कोई बात नहीं यार, जल्दी इसको कंफ्यूज के चक्कर में इसको हरा देते हैं हम लोग। और हरा दिया हम लोगों ने इसे भी, बहुत सही यार। मुझे तो लगा था यार बहुत खतरनाक ट्रेनर है। 7200, कैन नॉट बिलीव। तो हरा दिया हम लोगों ने इसे भी। अब पहले यार सबसे पहले बैग में देना पड़ेगा अपने सब पोकेमोन को। हाइपर पोशन दे देते हैं अपने चारिज़ार्ड को। और यार ये लग रहा है मुझे बड़ी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं ख़त्म कर दूंगा इसे। मेरा मतलब ख़त्म से मतलब मेरा है कि मैं आज ये टॉपिक मतलब कि हरा दूंगा आज सबको। तो यूज करते हैं मैग्नेटॉन को। अरे यार सॉरी, मैग्नेटॉन को देना है तो दे दिया हम लोगों ने मैग्नेटॉन को भी। और अब ड्यूगोंग को, कुछ पोकेमोन को मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया था, जैसे कि ग्रेविलियर को इस्तेमाल नहीं किया था हम लोगों ने, और ना ही इस मतलब कि पर्सियन को ज़्यादा यूज नहीं किया है। हाइपर पोर्शन देना हमें अपने मैग्नेटॉन को। तो सब पोकेमान फिलहाल सही हो चुके हैं। अब पोकेमान थोड़ा स्विच कर लेते हैं, जैसे कि चारिज़ार्ड को ऊपर रखते हैं हम लोग, क्योंकि फिलहाल चारिज़ार्ड का भी काम बाकी, बहुत जल्दी चलते हैं हम लोग आगे। ओ आ गया गैरी, हे सोमी, यू केम बैक सोमी, हा हा हा, दैट इज़ सो ग्रेट माय राइवल, वर्किंग ऑन माय पॉकेट्स, आई लॉक्ड ऑल ओवर फॉर पोकेमॉन। ओ सबने सबने इसने पकड़ लिया क्या यार, मैंने तो ये सब नहीं पकड़े हैं। कोई बात नहीं, आ हो जाए 1-on-1। ये लास्ट मैच है हम लोगों की 6-6 पोकेमॉन की। हेरा क्रॉस यूज करते ना विन अटैक। हेरा क्रॉस इसने पकड़ा यार, हेरा क्रॉस मुझे भी चाहिए एक। और देखा फेंट कर दिया एक ही बार में इसके हेरे क्रॉस को। अगला कौन है, ब्लास्ट टॉइस, रुक जाए यार यूज करते हैं अपना फायर ब्लास्ट, तो असर नहीं होगा इस पर ज़्यादा। बुलाते हैं अपने म्यू टू को ही, म्यू टू का असर इस पर होगा। हाई ड्रॉप पंप यूज कर रहा है यार, असर हो रहा है मेरे ऊपर भी। पहले रिकवरी यूज कर लेते हैं। तो रिकवर हो चुका है हमारा पोकेमॉन, अटैक मिस बहुत सही। साइकिक यूज करते हैं इसके खिलाफ, देखते हैं असर होता है कि नहीं, होना तो चाहिए यार। हाँ यार असर हो रहा है, एक बार और साइकिक यूज करते हैं। नहीं ये पहले फर्स्ट्रेशन यूज करते हैं, फिर लास्ट में साइकिक यूज करेंगे हम लोग। फर्स्ट्रेशन और असर होगा फर्स्ट्रेशन का भी। हाइड्रो पंप अटैक मिस बहुत सही यार। ये क्या यार पानी बरस रहा है इधर, ये क्या यार स्टेडियम। अरे यार ओहो, पानी से बरसने इसका पावर थोड़ा बढ़ जाता है, आइस बीम। तो यार जल्दी इसको ख़त्म करते हैं हम लोग, स्विफ्ट देते हैं इसको। और यार ये तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा फिलहाल। यूज करते हैं अपना फर्स्ट्रेशन। अरे यार फुल रिस्टोर कर दिया इसने फिर से, इसलिए मैंने साइकिक को बचा के रखा था लास्ट के लिए। पहले मुझे रिकवरी यूज करना पड़ेगा यार। अब बताते हैं इसको म्यूटू की पावर क्या है। म्यूटू के सामने बड़े बड़े पोकेमॉन टिक पाते हैं, ये कौन सा है पोकेमॉन जो म्यूटू के सामने लड़ने आ गया। और अर्थक्वेक यूज कर रहा है, ओहो कोई बात नहीं यार, म्यूटू के खिलाफ नहीं तो टिक पाएगा आज। और हमें इसे हराना है किसी भी तरीके से आज। साइकिक यूज कर लूँ क्या यार, हाँ साइकिक यूज कर लेता हूँ यार, फालतू में इसको क्या निपटना है इससे यार। ऐसे आम पोकेमॉन से तो म्यूटू साइकिक से ही निपट लेता है। तो 82 पे पहुँच चुका हमारा चारिज़ार्ड। अगला पोकेमॉन देखते हैं कौन सा इसके पास है, अल्कजाम। ओहो अब तो बुलाना पड़ेगा अपने चारिज़ार्ड को यार, नहीं तो साइकिक साइकिक में खतरनाक टक्कर हो जाएगी। तो चारिज़ार्ड का यूज करते हैं अपना विंड अटैक यूज करेंगे हम लोग यार, विंड अटैक हो सकता है असर हो इस पर। ये पानी बरस रहा है इधर अभी भी। अरे यार काम माइंड, हाँ तो भैया शांति बनाए रहो अपनी तरफ, काम माइंड अपने मान को माइंड को शांत करो तुम। लेकिन हमारा चारिज़ार्ड तो पूरी तरीके से गुस्से से भरा हुआ है, अरे तुम्हें आज नहीं छोड़ेगा। टायरेनिटार हुई पकड़ ले इसने, ओ यार ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। टायरेनिटार को पकड़ना कोई आम बात नहीं है यार, मैंने अभी तक खाली लार्वीटार को ही पकड़ा हुआ है, जिसे मुझे विकसित भी करना है। और यार ये क्या हो रहा है,
विंड अटैक देते हैं इसको, असर नहीं हो रहा यार, थंडर बोल्ट दे रहा है वो, हो असर हो रहा है। तो यार थोड़ा सा ये मेरे ख्याल से पैरालाइज कर दिया इसने हमारे पोकेमोन को, तो यूज करते हैं अपना फायर ब्लास्ट, देखते हैं असर होता है कि नहीं इस पर। और यार देखते हैं, और लग रहा है यार असर नहीं कर पाएगा, सैंड स्टॉर्म से बफर हो रहा है ये फिलहाल, तो म्यूटू को बुलाना पड़ेगा हमें यहाँ पर। अब म्यूटू अपना यूज करेगा फर्स्ट्रेशन, क्रंच यूज कर रहा है यार। अरे यार असर हो रहा है, बहुत खतरनाक पोकेमोन लग रहा है मुझे यार, हल्का फुल्का तो नहीं लग रहा मुझे टायरेनेटार, इसलिए इसने आखिरी तक बचा के रखा था अपने। लेकिन यार म्यूटू को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी को, वो मैं इसे अभी आगे बता दूंगा। तो यार बफर्ड कर रहा है कुछ ये लोग, कुछ चाल चल रहा है ये, रिकवरी यूज करते हैं सबसे पहले, फिर उसको हराते हैं। क्रंच यूज कर रहा है, तो क्रंच मुझे चबा नहीं सकता तो समझा। अरे यार इसने बफर कर दिया है, कोई बात नहीं, स्विफ्ट यूज करते हैं देखते हैं असर होता है कि नहीं। नहीं असर नहीं हो रहा यार, करंच फिर से यूज कर रहा है ये। आ यार फिर, अरे यार लो हो गया म्यूट भी फेंट। अब लग रहा बुलाना पड़ेगा ड्यूगोंग को, यूज करते हैं अपना सर्फ, अर्थ क्वेक यूज कर रहा है यार ये, तो सर्फ यूज करते हैं, ये तो फायर टाइप है, थोड़ा असर होना चाहिए। हाँ हो रहा है सर, तो जल्दी से, अरे यार इस पर भी है बफर कर रहा है। पहले देते हैं अपने हाइपर पोर्शन, देते हैं अपने चारिजार्ड को, और फिर हमें देना है म्यूटू को भी रिवाइव देना है थंडर बोल्ट। कोई बात नहीं यार, ग्रेवलियर को बुलाते हैं, ग्रेवलियर हमारे पास अभी है। सैंड स्ट्रॉम चल रहा है इधर, अरे यार ये क्या यूज कर दिया मैंने, अच्छा उसने यूज किया, लो यार फेंट भी कर दिया है। ओ पर्सियन, लग रहा है म्यूटू को बुलाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, तो जल्दी जल्दी यार चलते हैं म्यूटू को बुलाना हमें, जवाब देते हैं म्यूटू को अपने। म्यूटू इससे खतरनाक तरीके से लड़ सकता है मुझे लग रहा है ऐसा कुछ, बाकी सब तो लग रहा है कि यार हार ही रहे, लेकिन ये लड़ सकता है म्यूटू। चारिजार्ड को भेजते हैं, लेकिन ये पैरालाइज है, सैंड स्ट्रॉम भी चल रहा है इधर, बफर भी कर रहा है यार ये। कोई बात नहीं यूज करते हैं अपना फायर ब्लास्ट, देखते हैं असर होगा कि नहीं इस पर। अरे यार थंडर बोल्ट दे रहा है यार ये तो, अटैक मिस, यार फायर ब्लास्ट मिस हो गया ना, कोई बात नहीं देते हैं इसको अपना कट, थंडर बोल्ट यूज कर रहा है यार ये तो, पैरालाइज हमारा चारिजार्ड, और सैंड स्ट्रॉम भी इधर दिक्कत कर रहा है कुछ। अब बुलाते हैं अपने मैग्नेटॉन को यार, मैग्नेटॉन ही है जो इसमें फिलहाल मतलब कि म्यूटू को सही कर सकता है फिलहाल, म्यूटू को सही करना पहले ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि म्यूटू इससे लड़ सकता है आगे यार, बहुत खतरनाक मैच चल रहा है फिलहाल। क्यों ना, बस एक पोकन खेल म्यूटू ही बचा हुआ है फिलहाल मेरे पास, तो सैंड स्ट्रॉम भी इधर बार बार चल रहा है, और बफर भी हो रहा है यार। देते हैं रिवाइव अपने चारिजार्ड को सबसे पहले यार, कुछ तो उम्मीद रहनी चाहिए ना आखिरी में लड़ने के लिए। क्रंच भी यूज कर रहा है ये, और पहले यूज करते हैं अपना रिकवरी, फिर उसको देते हैं साइकिक, हाँ यही करना पड़ेगा हमें, पहले रिकवरी यूज करते हैं, और ये रिकवर हो गया थोड़ा सा फिलहाल। क्रंच फिर से यूज कर रहा है बार बार यार ये, और यार क्या यूज कर रहा है, और हाइपर पोर्शन दे देते हैं अपने म्यूटू को, करंट यूज कर रहा है बार बार ये। सैंड स्ट्रॉम पता नहीं कैसे चल रहा है यार, तो दिक्कत हो रही है सैंड स्ट्रॉम से, मैं ज़्यादा साइकिक यूज कर लेते हैं, बहुत दिक्कत लग रही है मुझे। डज नॉट इफेक्ट, और यार लग रहा है अब तो कुछ दिक्कत होने वाली है हम लोगों के साथ भी। अरे यार केवल चारिजार्ड बचा हुआ इधर, और यार रिवाइव देना पड़ेगा हमें पहले से पहले म्यूटू को, हाँ यार कुछ उम्मीद तो रहनी चाहिए ना, नहीं तो। और यार इधर तो सैंड वाला दिक्कत दे रहा है मुझे ज़्यादा, हाइपर पोर्शन देते अपने चारिजार्ड को सबसे पहले, पूरा फुल तो नहीं हुआ है लेकिन यार काम तो चलेगा।
अरे यार ये बफर वाला ज़्यादा दिक्कत दे रहा है मुझे। रिवाइव दे देते हैं, कुछ पकवान को अपने रिवाइव देना ज़रूरी है, जैसे कि डिवॉन्ग को। थंडर बोल्ट पे थंडर बोल्ट। अरे यार बहुत खतरनाक मैच चल रहा है इधर से यार, मुझे तो लग रहा है पता नहीं क्या होने वाला आगे। यूज करते हैं अपना फुल हील, मतलब फुल रिस्टोर। कहाँ यार, चार यार को दे देते हैं अपने। क्रंच यूज कर रहा है तो। अरे यार अटैक करना भी जरूरी नहीं, तो खाली डिफेंड करते रहेंगे क्या हम लोग। तो अब इस बार मैं अटैक करने जा रहा हूँ इस पर, और देते हैं अपना विंड अटैक। असर ही नहीं हो रहा ज़्यादा यार, थंडर बोल्ट यूज कर रहा है उधर वो। और लगभग फेंट ही कर दिया इसने तो पोकेमोन को मेरे। लो यार हो गई क्या फेंट। और ड्यूगोंग को भेजते हैं इधर, और दूसरी तरफ देते हैं अपना रिवाइव। कहाँ गया यार, चारिजार्ड को देते हैं रिवाइव। और थंडर बोल्ट यार तो खतरनाक हो जाएगा। ओ यार ओ शिट, अब म्यूट वही भेजना पड़ेगा यार, यूज करने में पड़ेगा रिकवरी। अरे यार ये सैंड स्टॉर्म वाला ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मुझे, तो रिकवरी यूज करने से पहले। और कुछ हद तक रिकवर हो गया है। अर्थ क्वैक, ये यार सैंड स्टॉर्म मेरे ऊपर क्यों असर हो रहा है, उसके ऊपर क्यों असर नहीं हो रहा यार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक। साइकिक का असर होगा नहीं इस पर, फ्रस्ट्रेशन ही निकालनी पड़ेगी। ये भी असर नहीं हो रहा है, अर्थ क्वैक यूज कर रहा है बार बार। और हमें हाइपर पोशन की ज़रूरत है फिलहाल, नहीं तो यार दिक्कत से। अरे सॉरी, हाइपर पोशन की ज़रूरत है अपने म्यू टू को, चारिजार्ड की भी जरूरत है। सब पोकेमोन यार हमारे फेंट होने के कगार पे हैं फिलहाल, तो यार पहले कुछ पोकेमोन को हमें रिवाइव देना जरूरी है। पहले रिवाइव दे देते हैं, नहीं तो यार यहाँ से हार के जाना पड़ेगा और फिर शुरू से खेलना पड़ेगा हमें। देते हैं अपने ड्यूगोंग को एरियलेस। कोई बात नहीं यार, म्यू थोड़ा सा सहन कर ले तू तो। म्यू टू को थोड़ा सहन करना पड़ रहा है यार, इसने तो यार पूरा दिमाग खराब करके रख दिया इसने। थंडर बोल्ट भी यूज कर रहा है इसी पर। अब बताते तुझको यार, मेरे पकवान कई सारे वापस आ चुके हैं कुछ हद तक। तो पहले देते हैं अपना हाइपर पोर्शन, देते हैं अपने म्यू टू को। अब म्यू टू को हाइपर पोर्शन देने के बाद हम लोग इसको बताएंगे आज ताकत क्या है म्यू टू की आज। तो बहुत दिमाग खराब कर रहा है टायरन है टायर हमारा, लेकिन यार बहुत खतरनाक पोकेमोन, ये भी मानना पड़ेगा हमें। और स्विफ्ट का असर हो नहीं रहा, साइकिल का भी असर नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन ही देना पड़ेगा इसको, वो भी ज़्यादा असर नहीं कर रहा है इस पर। और ये थंडर बोल्ट पर थंडर बोल्ट, अरे यार लग रहा है वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि यार ये हाइपर पोशन बार बार देना पड़ रहा है हमें ये तो। अरे यार अब तो गया लो, अब तो यार लग रहा है मुझे एक ही पकवान जिसका सामना कर सकता है वो केवल और केवल चारिजार्ड ही है, और उसी को हमें बुलाना पड़ेगा इस समय। नहीं तो यार म्यूटू को तो फिलहाल असर नहीं हो रहा, म्यूटू का कोई भी मूव इस पर। तो बुलाते अपने चारिजार्ड को, आयरिया लेस दे रहा है, और दूसरी तरफ ये सैंड स्ट्रॉन्ग दिक्कत कर रहे हैं। कट यूज करूँगा यार, कट का क्या असर होगा इस पर, कुछ नहीं असर होगा। अरे यार ये सैंड स्टॉर्म ज़्यादा दिक्कत कर रहा है मुझे, और इधर से तरफ हाइपर पोशन देना पड़ रहा है बार बार। तो जल्दी से जल्दी यार इसको हराना है हमें यार, बहुत दिक्कत दे रहा है मुझे। एम्बर का असर होगा इस पर यार, करूँ एक बार, नहीं असर हो रहा। विंड अटैक का इस पर असर होगा यार, तो यूज करते हैं अपना। अरे यार हाइपर पोर्शन दे दे के तो दिमाग खराब हो गया आज। विंड अटैक इस पे देना पड़ेगा हमें, और हाइपर पोर्शन दे दे के विंड अटैक देते हैं, तो मतलब इस पर विंड अटैक का ये असर होगा अगर होगा तो। जल्दी जल्दी विंड अटैक से इसको हराना पड़ेगा हमें। तो यार ये चाहिए सबका बाप निकला यार।
गैरी का तो बहुत खतरनाक पकवान में से एक हो गया ये। और यार विंड अटैक ही देना पड़ेगा, नहीं तो यार और कोई चारा ही नहीं ना ऐसा लड़ने का हमारे पास। पता नहीं कहाँ से इतने पकड़ लिया टाइनेनी टायर को यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाइपर पोर्शन दे दे के हमें इसे हराना पड़ेगा। आई रलेस पहले देना पड़ेगा हमें हाइपर पोर्शन, क्योंकि यार ये बफर बार बार हो रहा है, बफर से दिक्कत हो रही है ज़्यादा हमें। इतनी दिक्कत उससे नहीं, और ज़्यादा बफर से हमें दिक्कत हो रही है यहाँ पर। आई रलेस दे रहा है, उधर बफर हो रहा है, और लग रहा है इसको ऐसे ही हराना पड़ेगा हमें। कोई बात नहीं यार, हरा देंगे, थोड़ा दिमाग से खेलना पड़ेगा, हार जाएगा धीरे धीरे करके, हार जाएगा ये भी। तो फिर से अरे यार फुल रिस्टोर क्यों यूज कर रहा बार बार ये। यार हमारा चार यार्ड का अटैक भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। विंड अटैक पहले यूज करते हैं अपना यार हाइपर पोर्शन। कितना पोर्शन होता है मैंने देखा भी नहीं अभी तक यार, वो बहुत कम हो गया यार। पहले मेरे पास 90 के ऊपर था शायद, हाँ 93-4 शायद था। स्ट्रगल, ओहो ये भी कोई मूव है क्या? ओ यार मुझे पता नहीं था इसके पास ये सब पकवान भी पकड़ा हुआ है, मुझे भी पकड़ना चाहिए था ऐसा पोकेमॉन। एक स्ट्रगल यूज कर रहा है फिलहाल ये। और यार ये बफर वाले बहुत दिक्कत करके रखे हैं। चलो यार इसको हरा तो देंगे हम लोग, ऐसी बात नहीं ना कि हरा नहीं पाएंगे, हराना तो है ही। और यूज करते हैं विंड अटैक, और यार हरकत बचा है बस ये। और स्ट्रगल यूज कर रहा है उधर से, और इधर से ये सैंड स्टॉर्म दिक्कत कर रहा है। और यूज कर अपना फुल हील, यार हम भी फुल हील यूज़ करेंगे अपना। जब ये रिस्टोर यूज करेंगे हम भी फुल रिस्टोर यूज करेंगे अपना, क्यों ना करें यार, इसको हराना जो है। और अब देते हैं इसको, बताते हैं हमारी ताकत चारी जार्ड की। बस यार ये फुल रिस्टोर ना यूज करें इस बार, दिक्कत हो जाएगी हमारे चारी जार्ड को इस बार फिर से। तो हाश इसको हरा दिया हम लोगों ने, बहुत मुश्किल से हरा यार। अगला कौन पकवान देखते हैं ज़रा। आर्कनाइन, ओहो आर्कनाइन भी इसने पकड़ा हुआ यार। चलो तेरा मुकाबला, अरे यार के पास दो पकवान अभी हैं, कोई बात नहीं यूज करते हैं अपना। अरे यार ये बफर तो और दिक्कत दे रहा है, समझ नहीं आ रहा बफर क्यों मेरे ऊपर क्यों असर होता है। विंड अटैक, पता नहीं क्या यूज किया उसने यार, मुझे समझ में नहीं आया। और सैंड स्टॉर्म इधर चल रहा है फिलहाल, अच्छा उस पर भी असर हो रहा है, बहुत सही, ये सही है यार। नो नो फुल रिस्टोर नहीं यार, अरे यार हरा देंगे ऐसी बात नहीं ना कि हरा नहीं सकते, हरा सकते हम लोग। और क्या एक्सट्रीम स्पीड, ओहो अरे यार स्पीड तो बड़ी खतरनाक निकली वाली। चलो यार थोड़ा असर उस पर भी हो रहा है, इसका मतलब एक्सट्रीम स्पीड यूज कर रहा है यार। बस चार्जर फेंट ना हो हमारा, वैसे म्यूटू तो है अभी, लेकिन यार चार्जर को भी मैं फेंट नहीं करना चाहता फिलहाल। तो यूज करते हैं मैं फुल रिस्टोर, दो ही बचा मेरे पास, कोई बात नहीं हाइपर पोर्शन यूज कर लेते हैं हम लोग। एक्सट्रीम स्पीड यूज कर रहा है बार बार यार वो, हमारा फायर ब्लास्ट तो इसको दे नहीं सकते हम लोग, क्योंकि ये फायर टाइप है, इस पर कोई असर नहीं होगा उसका। अरे यार सॉरी यूज़ करते हैं अपने, दो ही बचा हमारे पास केवल, अगर इतने फुल रिस्टोर दे दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत सही यार, खुद इससे बफर हो गया ये, हमारा भी चार्ज यार्ड भी बफर हो रहा है फिलहाल। अगला एग्जीक्यूटर, ओहो बहुत सही यार, एग्जीक्यूटर को तो हरा देगा चार्ज यार्ड आराम से। भाई यार लेवल बहुत ज़्यादा है इसका, लेकिन कोई बात नहीं, चारी चार्ट को हाइपर पोर्शन दे देते हैं। अरे इसको बताते हैं यार, सो नो स्लीप दे दिया इसने, कोई बात नहीं देखते हैं रॉक। तो यार असर हमारे ऊपर ही होगा, वो उधर भी हो रहा है, बहुत सही यार। पहले एंटीडोट देते हैं, स्लीप कोई है यार, अवेकिंग है तो हमारे पास, एक चारी चार्ट जाग गया है। लाइट स्क्रीन कोई असर नहीं होगा, लेकिन यार ये सैंड स्ट्रॉन्ग को तो असर होगा ही।
एग्जीक्यूटर को भी होगा, जाहिर सी बात है। फायर ब्लास्ट देते हैं, लास्ट हमारे पास है और हमारा आखिरी मूव भी हो सकता है। यस, हम लोगों ने हरा दिया एग्जीक्यूटर को भी। दैट कैन बी नो, यू बीट मी एट माई बेस्ट, दैट वर्क बिकम द लीग चैम्प, माई रीजन इज ओवर ऑलरेडी, इट्स नॉट फेयर, सो मी गॉट 7,500 फॉर विनिंग। सेकेंड राउंड हम लोगों ने जीत लिया इससे। वाई डिड आई लूज, यू आर नेवर पोकेमॉन लीग चैम्पियन। ओह, ये इसको यकीन ही नहीं हो रहा मैं बन गया यार। ओके सोमी, आ गए प्रोफेसर ओक, सो यू वॉन, जीत गए हम लोग, कॉन्ग्रेचुलेशन, पोकेमॉन लीग चैम्पियन हुए। चार्मेंडर लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट विथ चार्मेंडर टू वर्क ऑन द पोकेडेक्स। तो चलते हैं हम लोग इनके साथ पोकेडेक्स को, अपना थोड़ा सा हॉल ऑफ फेम में भी एंटर करना है हम लोगों को। दैट योर विक्ट्री जस्ट ऑन डूइंग, चलते हैं हमें। और ये आ गए प्रोफेसर ओक, तुम्हारे चारों पोकेमॉन यहाँ पर आएंगे, यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशन स्वामी, 6 के 6 पोकेमॉन हमारे हो चुके हैं हॉल ऑफ फेम में। ये देखिए आप लोग सामने देख सकते हैं, सेविंग सेव कर रहा है अपने आप ये, ऐसे अगली बार अपने आप सेव कर, देखिए अपने नीचे लिखा था ना, अपने आप ऐसे सेव हुआ था। और सब पोकेमॉन की थैंक्स कहना चाहूँगा मैं भी यार, अगर ये सब ना होता तो मैं लड़ ना पाता, खासकर म्यूटू और चारिजार्ड, लीग चैम्पियन कॉन्ग्रेचुलेसन सोमी। आईडी नंबर 54304, टाइम 42 मिनट लग गया यार टोटल जोड़ा जाए तो इतनी देर में मैंने हराया है। आई एम विनर, गैरी चला गया है, प्रोफेसर वो क्या कहेंगे देखते हैं जरा, ये भी चले गए यार, और मुझे भी जाना चाहिए क्या, मैं भी चला गया, पोकेमॉन फायर एडवेंचर स्टाफ। तो यार ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है हम लोगों का, बहुत ही मस्त जर्नी थी यार, 30 दिन तो नहीं यार, लेकिन तभी बहुत दिन तक हम लोगों ने खेला, 26-27 दिन, ये जर्नी बहुत ही मस्त थी यार। और ये गेम जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ख़त्म हो रहा है और सबके नाम आ रहे हैं यहाँ पर, और थैंक यू कहना चाहता हूँ जो अभी लोग इस मैच हमारे साथ देख रहे थे। और ये आ गए चारिजार्ड को, देखा आप लोगों ने, ऐसे सब पकवान हमारे साथ आएंगे यार। अगला वीडियो मैं सोच रहा हूँ किसी अगले नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर बनाऊँ, तो आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा कि मैं किसी और बनाऊँ, जैसे कि ख़त्म हो गया यार। तो अब और ये विनोसॉर, I don't know.